तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल के ऊपर। जी हाँ, पेस्ट स्पेशल हम बात करेंगे, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा है, डेटा में फॉर्मूले लगा है, डेटा के अंदर हमने फॉर्मूला लगा रखा है। ये फॉर्मूला एवरी टाइम चेंज होता है। अब रैंड बिटवीन का रैंडम फॉर्मूला। अब मैंने पूरे डेटा को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद किसी और लोकेशन पे हमने पेस्ट किया, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, जो नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है उस तरह से हमने कॉपी एंड पेस्ट किया। ओके सर, अब यहां पे क्या है, हमने कॉपी पेस्ट तो किया लेकिन हमें कॉपी पेस्ट करके एग्जैक्ट नहीं लेके आना है। मैं चाहता हूं जब मैं कॉपी पेस्ट करूं तो मैं अपने अकॉर्डिंग लेके आऊं, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग लेके आऊं। तो पेस्ट स्पेशल हमें अलाउ करता है कि आप जहां से कॉपी किए हो उसमें से कुछ पर्टिकुलर एरिया को पेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, पेस्ट स्पेशल हमें अलाउ करता है कि कॉपी की गई पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाना होगा, या फिर यहाँ से भी जा सकते हैं एरो निशान से। और यहाँ आप देखिए आपके सामने फॉर्मूला है, वैल्यू है, फॉर्मेट है, कई सारी चीज़ें हैं। तो हम फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं। जी हाँ, हमने फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके किया। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट हुआ, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हुआ, डेटा मेरा पेस्ट नहीं हुआ। यहाँ पे हमने सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट किया। ओके, अभी कुछ बच्चे पूछते हैं सवाल कि यहां नेम में तो फॉर्मूला नहीं है, फिर ये क्यों पेस्ट हुआ? तो फॉर्मूला का मतलब है, यहां पे एक चीज समझ लीजिए, फॉर्मूला का मतलब है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है उसको पेस्ट करेगा, और हर तरह की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर पेस्ट करेगा। ओके, अब उसी तरह से मुझे इसकी सिर्फ कंटेन को पेस्ट करना, मुझे सिर्फ कंटेन को पेस्ट करना, मुझे डेटा पेस्ट नहीं करनी, जस्ट कंटेन पेस्ट करना। तो हम यहाँ कॉपी करते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहीं पे हम करते हैं पेस्ट एज ए वैल्यू। पेस्ट एज ए वैल्यू करने पे देखिए सिर्फ वैल्यू पेस्ट होता है, डेटा पेस्ट नहीं हुआ, सॉरी फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ, जस्ट डेटा पेस्ट हुआ। मतलब कि जो यहाँ फॉर्मूला रैन बिटवीन का लगा था उस फॉर्मूले को रिमूव करके फिर हमने यहाँ पे पेस्ट किया। हमने क्या किया, फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट किया, बट हमने फॉर्मूला जो रिमूव करके पेस्ट किया वो पेस्ट किया डिफरेंट लोकेशंस में। मैं चाहता हूँ कि मैं जो फॉर्मूला पेस्ट करूँ वो सेम लोकेशन में होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस एरिए का फॉर्मूला रिमूव करना है उस एरिए को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और उसी के ऊपर हम जस्ट वैल्यू क्लिक कर देंगे। जी हाँ, जस्ट वैल्यू। जस्ट वैल्यू करने से क्या हुआ, आप यहाँ देखें आपका लिस्ट यहाँ पे हट गया, जो आपका रैंड बिटवीन का फॉर्मूला वो हट गया। अब इस चीज को हम यूज करते हैं अपनी रिपोर्ट्स में। अब रिपोर्ट्स में किस तरह के रिपोर्ट्स में, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं एक यहां पे एक डैशबोर्ड ओपन करता हूं। अब जैसे कि ये डैशबोर्ड देख रहे हैं, डैशबोर्ड बहुत सारे फॉर्मूले से बना हुआ है और ये डिफरेंट डिफरेंट शीट से कनेक्टेड है। अब मुझे रिपोर्ट किसी को भेजना है,
तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसके साथ इसका डेटा भी भेजना होगा। डेटा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, डेटा काफी बड़ा है, इसलिए हम इसको नहीं भेज सकते। ओके तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि हम जिस रिपोर्ट भेजेंगे तो सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और लिखेंगे मूव एंड कॉपी, और इस मूव एंड कॉपी में सेलेक्ट करेंगे क्रिएट कॉपी, और इस क्रिएट कॉपी में हम यहाँ न्यू बुक पे आते हैं और ओके करते हैं, तो ये जो एक्शन फाइल है ये आपकी एक नई वर्कशीट पे चली जाएगी, एक नई वर्कशीट पे। अब यहाँ नई वर्कशीट पे आ गई तो आपको क्या करना है, अब यहाँ आपका रिपोर्ट को मेल कर देना है। लेकिन 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 दिक्कत क्या है कि इसमें अभी भी फॉर्मूला लगा हुआ है, तो दिक्कत हो जाएगी। अगर किसी को भेजूंगा वहां पे ये लोकेशन नहीं मिलेगा तो वहां पे एरर देगा। हम जाते हैं, सबसे पहले तो यहाँ हेडिंग रो एंड कॉलम जो है उसकी जो हेडिंग है ये डिसेबल की गई है, तो सबसे पहले पेज लेआउट या एक्सेल की सेटिंग में जाके मैं हेडिंग को व्यू कर दूंगा तो ये दिख जाए। फिर मैं वन और एक के बीच में ट्रायंगल होता है उसको क्लिक करूंगा जिससे पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमने सिलेक्ट कर लिया वैल्यू, पेस्ट एज ए वैल्यू। तो यहां पे देखिए हर तरह के जो है फॉर्मूला रिमूव हो गए। अब इस फाइल को सेव करके हम भेज सकते हैं। इसकी खासियत क्या है कि इसकी हमें वन बाय वन करके एक एक टिक को फॉर्मूला रिमूव नहीं करना हुआ, हमारी फॉर्मेटिंग, हमारा एडजस्टमेंट, हमारा हर चीज जैसा है वैसा है। नेक्स्ट इज हमें जस्ट पेस्ट एज ए फॉर्मेट करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हम बात करेंगे पेस्ट एज ए फॉर्मेट। पेस्ट एज ए फॉर्मेट जस्ट फॉर्मेटिंग पेस्ट करता है, जस्ट फॉर्मेटिंग। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए कमेंट की। अब कमेंट को पेस्ट करने से पहले हमें कमेंट के बारे में जानना होगा, तो यहाँ आपको दिख रहा है डेटा, इसमें राइट क्लिक किया हमने और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कमेंट कर दिया, और इसमें डाल दिया कि दिस इज सिक्स मंथ डेटा, और हमने यहां पे एंटर प्रेस कर। अब क्या हुआ कि ये जो इंफॉर्मेशन मैंने डाली वो तभी दिखेगा जब इसके ऊपर माउस जाएगा। अगर माउस में हटा लूंगा तो नहीं दिखेगा, माउस डालूंगा तो दिखेगा, माउस हटा दूंगा तो नहीं दिखेगा। अब मैं इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करना चाहता हूँ, और पेस्ट करना चाहता हूँ पेस्ट स्पेशल में जस्ट जस्ट कमेंट्स, तो यहाँ हम कमेंट्स एंड नोट्स पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो यहाँ देखिए कमेंट्स क्लिक होंगे, राइट। बाकी डिटेल्स बाकी चीजें पेस्ट नहीं हुई, पेस्ट हुआ तो सिर्फ हुआ डेटा, इसके अलावा कुछ और नहीं। राइट अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने अब मुझे क्या है कि इसमें जो है डेट भी है, मैं अपने डेटा के अंदर डेट भी डाल देता हूं, डेट को नीचे तक ड्रैग करता हूं और इसको भी फॉर्मेट कर देता हूं। अब मैं डेट को कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू एम फॉर्मेट करता हूं तो कुछ नंबर्स आते हैं,
अब ये नंबर क्या है, मतलब क्यों आते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले चीज जान लें कि ये नंबर है क्या। ओके, ये नंबर है क्या, पहले इस चीज को जानते हैं। तो जो नंबर है ये नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर कैलेंडर। तो आपका कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट कब से है, 1st Jan 1900, मतलब कि आप अगर 1st Jan 1900 लिखना है तो जस्ट वन लिख दीजिए, मतलब फर्स्ट डे, और आप इस पे डेट का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे तो 1st Jan 1900 आ जाएगा। 32 डालें, देखिए मंथ चेंज हो गया, 367 डाल दीजिए, ईयर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही 44197 डालेंगे तो 1 जैन है। तो कंप्यूटर जो है आपका जो भी डेट है वो डेट आपको हम नंबर ऑफ डेज में स्टोर करता है। जी हाँ, नंबर ऑफ डेज में। इसलिए यहां जो पेस्ट है जो वैल्यू करते हैं तो रिमूव ऑल फॉर्मेट्स होता है, और डेट भी एक तरह की रिमूव फॉर्मेट है, इसलिए वो रिमूव हो जाता है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि जो रिमूव हो रहा है फीचर्स, ऐसा प्रोग्रामर ने किया क्यों? प्रोग्रामर नॉर्मल भी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे रीजन था। रीजन ये था कि एक्सेल में अगर किसी भी नंबर से आज का डेट ही डालता हूं, इसकी फॉर्मेट चेंज कर देता हूं, डेट इसी तरह लिख रहा है, तो एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट के साथ अगर कोई नंबर डालते हैं तो उस पर आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेल में ऐसा ही है कि जब इसके ऊपर हम कुछ तरह का कैलकुलेशन करते हैं तो हो जाता है, क्योंकि ये स्टोर आपको दिख रहा है 1 जून, बट एक्चुअल में ये है 44348, यहाँ देखिए 44368 ये चलता है। लेकिन जब हम इस पे नंबर फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह का नंबर फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, तो इस तरह का डेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब डेट की फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो नंबर टू डेट हो जाता है। ओके, तो जब भी आप अगर इसको कॉपी करके पेस्ट एज ए वैल्यू कर रहे हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू की जगह पे यहां आप सिलेक्ट करें पेस्ट एज ए कॉल, आपको नंबर फॉर्मेटिंग या पेस्ट एज ए फॉर्मूला, फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेटिंग एंड पेस्ट एज ए फॉर्मूला एंड नंबर एज ए फॉर्मेटिंग, वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेटिंग, तो एम इन दोनों के जगह पे आप इन दोनों को चूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको चूज कर लिया एंड ऑफ, तो आपकी बाकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ नंबर की जो फॉर्मेटिंग है वो नंबर की फॉर्मेटिंग यहां पे दिखेगी। ओके सर, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसे कि हम अभी आपका डेटा आप देख पा रहे हैं, हमने क्या किया कि इसको रीसेट करने के लिए हमने सेलेक्ट करके ऑटो फिट कर दिया, आप मतलब कॉलम की साइज को हम अपने हिसाब से अरेंज कर लिए। लेकिन जब इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉलम की साइज पेस्ट नहीं होगी। आप चाहते कि कॉलम की साइज पेस्ट हो तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेव फॉर्मेट एज ए कॉलम विड्थ करना होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ करते हैं तो सिर्फ विड्थ पेस्ट होगी, आपका डेटा नहीं पेस्ट होगा। तो अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो उसमें आइकन होता है, कौन सा आइकन, ए वाली आइकन, जिसपे कर्सर रखते ही दिखेगा कि
सोर्स कॉलम विड्थ, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसको क्लिक करेंगे तो आपको नंबर भी आएगा और आपका डेटा भी आएगा, सॉरी आपकी कॉलम विड्थ आएगी और डेटा भी आएगा। तो नरतन जी समझ में आया आपको? अब अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है कि जिसे हम यहाँ पे 20 टाइप करते हैं और 30 टाइप करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम यहाँ 20 को कॉपी करते हैं और 30 के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, तो 30 को रिप्लेस कर देता है, जनरल है। लेकिन मैं इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ और यहाँ ऑपरेशन है, ऑपरेशंस में मैं अगर ऐड सेलेक्ट कर लेता हूं तो 30 और 20 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेशन होने के बाद उसका रिजल्ट यहां पे पेस्ट होगा। मतलब कि जब आप पेस्ट करते हैं पेस्ट स्पेशल में, अगर ऑपरेशंस में कुछ सेलेक्ट करते हैं तो जहां से ऑपरेशन, जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो जहां से कॉपी हुआ है और जहां पे पेस्ट हुआ है उन दोनों के बीच में जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कंडक्ट होगा और फिर क्या होगा उसका रिजल्ट यहां पेस्ट होगा। ओके अब इसमें क्वेश्चन आता है नरतन जी, जो आपको रिसर्च करना है, आपको रिसर्च करना है कि इसका ऑफिशियली यूज क्या है। आपको कम से कम दो एग्जांपल बनाने हैं जिससे आप उसको किसी ऑफिस में या किसी काम में यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा काफी टाइम बच सकता है। ठीक है सर, हेलो, हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? नरेश जी मेरी आवाज आपको आ रही है? आपने म्यूट कर रखा है प्लीज।